अस्सलामुअलैकुम। आज हम कीमा स्टफ भिंडी बनाएंगे। भिंडी को कीमे से भर के फिर हम तिल रोस्ट करके उस पर डालकर बहुत ही बेहतरीन भिंडी बताएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए पाव किलो 300 ग्राम तक भिंडी है और उसको अच्छी तरह से देखिए वॉश करके ड्राई करके ऊपर की डंठल काट दिया मैंने और इस तरह चार पीसेस में कट करके सारी भिंडियों को मैंने रखा है। ये थोड़ी हवा लग जाए और इसका जो पानी है वापस ड्राई हो जाए। और ये कीमा है तकरीबन पाव किलो है। अब हम कुकर गरम करने हमने रख दिया है, इसमें हम ये थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं तेल डालना है क्योंकि एकदम रूखा कीमा बनाना है, ऑयली कीमा नहीं बनाना है हमें। तो ये तेल गरम हो गया, कुकर पहले से ऑलरेडी गरम था। ये अब क्या करेंगे, इसमें हम ये कीमा डाल देंगे। कीमे के साथ में हमें लाल नहीं करना है, ये प्याज भी, दो प्याज बड़े काट के रखे हैं मैंने और आधा चम्मच हल्दी है और थोड़ा नमक टेस्ट के हिसाब से है, तीन हरी मिर्चें हैं, एक चम्मच गरम मसाला है और दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और दो चम्मच धनिया पाउडर है। इन सब को ये कीमे के साथ मिला देंगे। और इसे हम चला देंगे। और देखिए मैंने मिक्स कर दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल, और अब ढक्कन लगा देंगे और दो सीटी लगा के धीमी आंच पे फिर खोलकर आपको भून कर बताते हैं। अब कीमा एक तरफ पकने रख दिया मैंने और दूसरी तरफ पैन रख के ये तिल को रोस्ट कर लेंगे हम धीमी आंच पे। ये तिल की वजह से ये भिंडी कीमा बहुत ही बेहतरीन होता है और तिल आप ज़रूर डालें। अब देखिए ये तिल रोस्ट हो गया, अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके एक बाउल में निकाल के रख देंगे। इसे रखेंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए, फिर इसके बाद आपको भून कर बताते हैं। देखिए तीन सीटी लगने के बाद 10 मिनट मैंने धीमी आंच पे पकाया। प्याज कच्चा, हम सब मसाले कच्चे मिलाते हैं, उसमें भूनते नहीं है, साथ में कीमे के पकता है तो कीमे का टेस्ट और भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा देर और सूखा करेंगे, ड्राई करेंगे। आंच तेज रखा है मैंने और इसमें नींबू का रस डालूँगी और सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और वो धनिया जीरा पाउडर रोस्ट करके डाल दूँगी और इसमें थोड़ा नींबू का रस। ठीक है, हमने इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला है इसलिए नींबू का रस डालते हैं और ये रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर है, ये एक चम्मच डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ी सी धनिया के पत्ते भी इसमें डाल देंगे और नमक और मिर्च अगर चखें, अगर आपको और तीखा लगे तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा और भूनने दें फिर उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। अब देखिए कीमा एकदम ड्राई हो गया, आप देख रहे हैं ना, अच्छी तरह हमने इसे भून भी लिया है और एकदम ड्राई हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे, फिर आपको कैसे स्टफ करना है भिंडी में वो हम आपको बताते हैं। अब कीमा थोड़ा सा ठंडा हो गया सहने लायक, अब हम क्या करेंगे, इसे भिंडी को भर देंगे और ये चाकू से अंदर ऐसे दबा देंगे ताकि मसाला, कीमे का मसाला अंदर चला जाए और ऊपर का हम इसे पोंछ लेंगे, अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे। इसे दो तीन भर के आपको बताती हूँ फिर इसके बाद क्या करना है, आप देखना। पहले ऐसे रख देती हूँ मैं दो तीन भर के, फिर पूरे हम करेंगे। चाकू की मदद से अंदर भी डालें ताकि अंदर भी चला जाए, फिर ऊपर भरें।
इसी तरह हम सब भर के आपको बताते हैं। देखिए मैंने भिंडी को कीमे से भर दिया। अब धागा लेंगे, धागा तो आप सभी के घर में होगा। धागा लेके इस भिंडी को इस तरह से लपेट देंगे ताकि इसके मसाले अच्छी तरह से अंदर से बाहर ना आए। इसी तरह सारी भिंडी को हम धागे से लपेट देंगे। अब हम देखिए किस तरह का से हमने धागा लपेटा है और कीमा बाहर नहीं आ रहा है। अब हम फ्लैट पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है हमको। हल्के से तेल में इसे उलट पलट के थोड़ा सा लाल करना है। हमने पैन में थोड़ा तेल डाल दिया, तेल देखिए अभी गर्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसे इस तरह से बिछा देंगे, इसे ढकना नहीं है, ऐसे खुले पैन में इसे उलट पलट कर पकाना है। अब हम इसे उलट पलट कर पकाएंगे और ऊपर से हम इसे इसमें तिल डाल देंगे। रोस्टी हुई पकने के बाद हम इसमें तिल डालेंगे और आपको बाद में सर्व करके बताएंगे। अब हमने गैस बंद कर दिया। देखिए उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन किया है। अब धीरे धीरे हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब ये रोस्टेड तिल इस पर डालेंगे। और फिर हम इसे सर्व करेंगे। चाहिए तो इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको चटपटा चाहिए तो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, ये कीमा भरी हुई भिंडी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।